गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और उसके फॉर्मूले देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है, जहाँ पे दिया है रुपीज़ 150 फॉर 4 ईयर्स एट 5% पर एनम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है इसमें कितना, 150। रेट है कितना, 5%, और टाइम इंटू 4 अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 5 × 5 = 2 × 2 × 2 = 2 कितना आ गया, SI 30, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 150 रुपीज़, एंड इंटरेस्ट 30 रुपीज़। दैट मीन्स अमाउंट इज़ 180 रुपीज़ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बाकी इसके जो पार्ट है बी और सी डी, ये कंप्लीट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू 700 रुपीज़ इन 5 ईयर एट 8% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कितना, 700 रुपीज़ दिया है, और टाइम दिया है इसमें 5 ईयर्स, और इसमें रेट दिया हुआ है कितना, रेट 8%, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, हेयर अमाउंट इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, अमाउंट इक्वल टू 700 रुपीज़, और हमें फाइंड यहाँ पे प्रिंसिपल करना है क्वेश्चन में। तो टाइम कितना है, 5 ईयर, और रेट इक्वल टू 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे पहले। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू पी इंटू आर, और टी की वैल्यू रखी है, पुट कर दिया हमने यहाँ पे अपॉन 100, ठीक है। अमाउंट 700 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आ गया 100। यहाँ 100 इंटू 700 माइनस पी इक्वल्स टू 40p, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई में अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,000 माइनस 100p इक्वल टू 40p, ठीक है। p को एक साथ कर लेंगे तो ये 40p प्लस 100p इक्वल्स टू 70,000 कितना हो जाएगा, 140p इक्वल्स टू 70,000, और पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रुपीज़ 70,000 अपॉन 140, ठीक है। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 14 × 14 और 14 × 5 = 70, और ये ज़ीरो। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, द सम फाइंड करना था, मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कम्प्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसका फर्स्ट वाले का बी सी और डी, ये होमवर्क में करना है। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।